गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने बहुत एक्सट्रीमली वाला शॉर्ट हेयर लिया है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप शॉर्ट हेयर के साथ में कैसे अपना ड्रेसिंग स्टाइल कर सकते हो। तो मैंने कुछ आइडियाज़ अपने दिमाग में लेके आई हूँ कि मैं शॉर्ट हेयर के साथ में कैसे अपना ड्रेसिंग सेंस स्टाइल कर सकती हूँ ताकि बहुत अच्छा लगे, और आगे भी मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगी शॉर्ट हेयर के साथ में कि कैसे आप अपना हेयर एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हो हेयर में, और बहुत सारी ऐसी शॉर्ट हेयर से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली है। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊँगी आपको कि आप कैसे अपना ड्रेसिंग सेंस स्टाइल कर सकते हो शॉर्ट हेयर के साथ में। तो आई होप जिसके भी शॉर्ट हेयर हैं उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो शॉर्ट हेयर के साथ में ऐसा ड्रेसअप स्टाइल करना बताऊँगी आप लोगों को कि आपको बहुत अच्छा लगे, थोड़ा स्टाइलिश लगे, मतलब गुड लुकिंग वाइब्स दे आपको अंदर से। इस टाइप का कुछ स्टाइल लेने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो जैसा कि पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अपने फर्स्ट आउटफिट में स्टाइल की है मस्टर्ड येलो कलर की शर्ट विथ ट्राउज़र, जिसमें आप शर्ट पे देख सकते हो फ्रिल है। ये थोड़ी सी स्टाइलिश शर्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके पास नॉर्मल कोई भी शर्ट हो, चाहे फुल स्लीव्स हो, चाहे 3/4 स्लीव्स हो, चाहे हाफ स्लीव्स हो, आप जो है उसको स्टाइल कर सकते हो ट्राउज़र के साथ में, या कोई भी रिलैक्स फिट वाली जीन्स हो उसके साथ में आप स्टाइल कर सकते हो। बस शर्ट होनी चाहिए आउटफिट में तो, और इवन आप शर्ट को अपनी शॉर्ट्स के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो। तो एक तरीके से एक शर्ट वाला आउटफिट जो है आप स्टाइल कर सकते हो अगर आपकी एक्सट्रीम शॉर्ट हेयर हैं तो इस तरीके का आउटफिट बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट हेयर के साथ में। नेक्स्ट आउटफिट के लिए मैंने यहाँ पे रेडी किया है, मैंने यहाँ पे वियर करी है एक मॉम जीन्स, और उसके ऊपर मैंने स्टाइल किया है हाई नेक और फुल स्लीव्स का फ्लोरल प्रिंट का टॉप। इस आउटफिट से मैं आपको ये आइडिया देना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी हाई नेक की टी शर्ट हो या हाई नेक का टॉप हो तो आप उसको रिलैक्स फिट वाली जीन्स के साथ में या मॉम्स जीन्स जो आती है उसके साथ में आप स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक देगी। क्योंकि शॉर्ट हेयर के साथ में अगर हम कुछ भी हाई नेक का वियर करते हैं तो हमारे हेयर का जो लुक है वो बहुत अच्छा क्लासी दिखता है, और विद सनग्लासेस और ब्यूटीफुल हैंडबैग या आपका चॉइस का कोई भी हैंडबैग और शूज़ वियर करके आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो, तो ये बड़ा ही क्लासी और एलिगेंट लुक लगता है। पर्सनली मेरे को ये लुक बहुत बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने स्टाइल किया है वो मैंने वियर करी है डेनिम डंगरी और विथ स्ट्रिप टी शर्ट के साथ में वियर करा है इसको। आप इस टाइप की डंगरी के साथ में शर्ट वियर कर सकते हो, या कोई भी डीप नेक का टॉप हो तो वो भी स्टाइल कर सकते हो। मैंने नॉर्मली स्ट्रिप टी शर्ट के साथ में इसको स्टाइल किया है, नॉर्मल कैजुअल शूज़ या फिर स्पोर्ट शूज़ के साथ में आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। और इस लुक को रेडी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डंगरी और डेनिम डंगरी सभी के पास अवेलेबल होती है। तो अगर आपके शॉर्ट हेयर हो तो आप इस लुक को स्टाइल कर सकते हो, इवन दो आपके लॉन्ग हेयर हो तो भी ये लुक बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने स्टाइल किया है बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास में कोई भी फ्लोरल डिज़ाइन की या नॉर्मल कोई भी शॉर्ट ड्रेस हो तो उसके ऊपर आप डेनिम जैकेट या फिर डेनिम शर्ट स्टाइल कर सकते हो। मैंने आउटफिट जो ये रेडी किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और ये आउटफिट जो है बहुत ही सस्ता भी है यूँ कहूँ तो, क्योंकि ये जो ड्रेस है वो मैंने 100 रुपीज़ में सरोजनी मार्केट से ली थी, और इसके ऊपर जो शर्ट मैंने स्टाइल किया था वो भी बहुत
ही चीप, आई थिंक 300 or 400 का है वो, मैंने जयपुर GT से बाय किया था। तो बहुत ही मतलब 400 के अंदर में कितनी स्टाइलिश ड्रेस रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं आइडिया देना चाहूँगी कि आपके पास में कोई भी शॉर्ट ड्रेस हो तो उसके ऊपर आप डेनिम जैकेट या फिर डेनिम शर्ट आप स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस लुक के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा लुक स्टाइल हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये लुक मुझे बताना। नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने स्टाइल किया बहुत ही कॉमन है और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। मैंने ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक एक इनर वियर करा है और उसके ऊपर मैंने डेनिम शर्ट स्टाइल करी है। और आप चाहें तो आपके पास कोई भी प्रिंटेड जैकेट हो या कोई भी प्रिंटेड श्रग हो तो वो भी आप स्टाइल कर सकते हो। इस टाइप का लुक भी शॉर्ट हेयर के साथ में बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम जब मैंने अपने शॉर्ट हेयर लिए थे तो मैं इसी टाइप की ड्रेस में शॉर्ट हेयर लेने गई थी। आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी वॉच कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने प्रिंटेड जैकेट वेयर करी है जैसे कि आप देख रहे हो। और इस जैकेट की मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप कहाँ से परचेज़ करी गाइज, ये शीन से परचेज करी हुई है, अभी नहीं परचेज़ कर सकते आप। और नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने स्टाइल किया वो नॉर्मल एक कैजुअल टी शर्ट वियर करी है नॉर्मल जीन्स के ऊपर, और नीचे मैंने फुटवेयर के लिए हील्स वियर करी है। आप चाहे तो स्पोर्ट्स शूज़ भी वियर कर सकते हो। और टी शर्ट को मैंने इनसाइड टक कर लिया है और हैंड में वॉच वियर करके अपने लुक को कंप्लीट किया। बहुत ही कॉमन और बहुत ही कैजुअल लुक लगता है ये, पर शॉर्ट हेयर के लिए एकदम परफेक्ट लुक है। और साथ में आप अपना हैंड बैग या फ़ोन कुछ भी कैरी करोगे तो बहुत ही स्टाइलिश लुक लगने वाला है। तो आप ये लुक भी स्टाइल कर सकते हो। आउटफिट के लिए मैंने स्टाइल किया है एक स्ट्रिप वाली पैंट एंड टॉप स्टाइल किया है, सनग्लासेस एंड बैग लगा के अपने लुक को कंप्लीट किया। मैंने छोटी सी पोनी भी स्टाइल करी है। और ये दोनों जो ये जो आउटफिट है वो मैंने शीन से परचेज़ किया हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टाइप का कुछ फंकी सा लुक स्टाइल कर सकती हूँ मैं अपने शॉर्ट हेयर के ऊपर, तो मैंने ये लुक स्टाइल किया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को जो पोनी मैंने बनाई है वो इस आउटफिट के साथ में बहुत ही अच्छी लग रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस टाइप का लुक भी आप स्टाइल कर सकते हो गाइस। जो मेरा लास्ट आउटफिट जो मैंने स्टाइल किया है, मेरा फेवरेट आउटफिट है जो मैंने स्टाइल किया है डेनिम शॉर्ट्स के साथ में, एंड जो टॉप मैंने वियर किया है वो अगेन शीन से है। उसके ऊपर मैंने स्टाइल किया अपना डेनिम शर्ट जो कि बहुत क्लासी बहुत एलिगेंट लुक लग रहा है, मेरा फेवरेट लुक है, मुझे बहुत पसंद आया। तो इस टाइप का लुक भी आप स्टाइल कर सकते हो, ऊपर कोई प्रिंटेड जैकेट भी वियर कर सकते हो तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का लुक। सो गाइस आपको मेरा लुक सारे आउटफिट जो हैं वो पसंद आए होंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक बटन को प्रेस करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आए हैं आप लोगों से मिस ना हो, फटाफट आप उनको देख सको जिससे मुझे खुशी हो। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।